एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ दाल पूरी, वो भी चावल के आटे से। हमारे यहाँ तो दाल पूरी चावल के आटे से ही बनाई जाती है, साथ ही आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे और खीर, क्योंकि दाल पूरी खाने का मज़ा तो आलू गोभी की सब्ज़ी और खीर के साथ भी ना अधूरा है। कोई मतलब आलू गोभी की सब्ज़ी या आलू परवल की सब्ज़ी बढ़िया से चटपटी सी सब्ज़ी हो तभी मज़ा आएगा। तो बनाते हैं फिर आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल पूरी। तो इधर मैं गैस पे एक पैन में पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और छोटे छोटे पीसेस में गोभी को काट ली हूँ। इसको गर्म पानी से धो लेंगे हम गोभी को, क्योंकि बरसात का सीज़न है तो गोभी में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो बहुत अच्छे से धोना ज़रूरी है। इधर दो बड़े साइज़ के आलू ले ली हूँ, उसको भी छील के काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। अब हम टमाटर ले लिए दो बड़े साइज के, उसको हम काट के मिक्सी के जार में डाल देंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि हम बिना लहसुन प्याज के ये सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे। साथ ही दो हरा मिर्ची डाल दिए, अदरक भी डाल सकते हैं, और इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तो हम पेस्ट बना लिए टमाटर और हरा मिर्च का। हमारा गोभी भी धुल चुका है, अब इसको हम छान लेंगे गोभी को। और एक पतीले में दूध डाल दी हूँ खीर के लिए, गर्म होने के लिए। ये चावल बासमती चावल है खीर वाली, इसको आधा घंटा पहले ही भिगो ली थी मैं, और अच्छे से धो के दूध उबलने के बाद डाल दी हूँ। और जब तक दूध में एक उबाल ना आए तब तक हम इसको चलाते हुए पकाते रहेंगे, उसके बाद हम गैस कम करके खीर को पकने देंगे। इधर हम कढ़ाई में एक बड़े चम्मच तेल ले लिए हैं, और उसमें गोभी को डाल देंगे, क्योंकि गोभी को थोड़ा सा भुनना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि हरा हरा सा लगेगा गोभी को। इधर हमारा खीर भी पक रहा है, हमारा गोभी भुन चुका है। अब उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, तो आलू को भी भून लेंगे। इधर हमको सूखे मसाले ले रहे हैं, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यहीं पर हम नमक डाल दिए स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच काली मिर्च और जीरा का पाउडर डाल दिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, तो पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम मसाला को डालेंगे इतना तो बहुत ही अच्छा टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होगा। इधर हमारा आलू भी भुन चुका है, बढ़िया कलर आ गया है आलू में, हम इसको भी निकाल लेंगे गोभी के साथ ही। तो आलू गोभी को भून लिया हमने, उसी कढ़ाई में एक से डेढ़ चम्मच तेल डाल दिए, साथ ही तेज पत्ता डाल देंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा ले ली हूँ, एक बड़ी इलायची, उसको बड़ी इलायची को मुँह खोल देंगे, उसके बाद डालेंगे, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारे सब्ज़ी में। आधा चम्मच जीरा डाल दिए, उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। मिक्सी को धो के डाल दी हूँ मैं सारा मसाला, और इसको भून लेंगे हम एक से दो मिनट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मसाला को घोल के रखे थे वो डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे एक दो मिनट के लिए। भून लेंगे मसाले को। बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि सावन चल रहा है, और इसको भी ढक के हम पका लेंगे एक दो मिनट के लिए मसाले को। इधर हमारा खीर भी बन चुका है, अब हम यहीं पे मीठा के लिए चीनी डालेंगे। जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से खीर में चीनी डालें आप। इधर हमारा मसाला भुन चुका है, तो इसमें हम आलू गोभी डाल देंगे भुना हुआ, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, गोभी को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो गर्म पानी डालेंगे इसमें, ठंडा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि गोभी पकेगा नहीं। गर्म पानी डालने के बाद हम इसको ढक के पका लेंगे सब्ज़ी को। इधर मैं कुछ ड्राई फ्रूट ले ली हूँ खीर में डालने के लिए, और कट कर ली हूँ ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे पीसेस में। एक पैन में आधा चम्मच घी डाल दी हूँ, और थोड़ा सा इसको भून लेंगे हम। ड्राई फ्रूट को भून के डालेंगे खीर में तो बढ़िया टेस्ट आएगा खीर का। तो हम ड्राई फ्रूट भी भून लिए और खीर में डाल दिए हैं। यहाँ पर हमारा खीर भी बन के तैयार हो चुका है। इधर हमारा सब्ज़ी भी पक गया है, और बहुत बढ़िया कलर भी आ चुका है सब्ज़ी में। खूब सारा धनिया पत्ता डाल दिए हमने सब्ज़ी का, और सब्ज़ी भी हमारा तैयार हो गया है। इधर फिर से हम वही पैन ले लिए, उसमें दो कटोरी पानी डाल दिए हैं, क्योंकि अब हमें आटा गूँथना है, वो भी चावल का आटा गूँथना है। और उसी कटोरी से एक कटोरी चावल का आटा ले ली हूँ मैं।
अब क्या करेंगे कि पानी को खूब खौलने देंगे बढ़िया से, और खौलता हुआ पानी में चावल का जो आटा है वो डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चावल का आटा डालने के बाद तुरंत ही इसको मिक्स करते रहेंगे हम, नहीं तो क्या होगा कि गुठलियाँ होने लग जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम आटे को और इसको ढक के ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम गूँथेंगे। आप तो यहाँ पर देखिए ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है अभी, क्योंकि इसको हम हाथों से गूँथ नहीं सकते अभी, इतना गर्म है ये। तो हम एक बर्तन में इसको पलट लिए हैं चावल के आटे को। अब क्या करेंगे हम इसको एक कटोरी की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा आटा भी ठंडा हो जाएगा और आटे में गुठलियाँ भी नहीं पड़ेंगी, एकदम सॉफ्ट आटा बन के तैयार हो जाएगा। तो हम कटोरी की सहायता से आटे को मिक्स कर लिए हैं बढ़िया से। तो आटा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा हाथों से हम इसको मसल लेंगे। इसमें अपना गेहूं आटा भी डाल दिए थोड़ा सा, क्योंकि गेहूं का आटा भी मिक्स करके हमारे यहाँ बनाया जाता है। कभी कभी आधी चावल का आटा आधी गेहूं का आटा भी होता है। उसके बाद थोड़ा आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डाल के गूँथ लेंगे हम। अच्छा सा इसका टाइट सख्त डो हम लगा लेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा दिए ताकि हाथों में चिपके ना, इसको ढक के साइड में कर लेते हैं। इधर जो हम चना दाल रखे थे उबलने के लिए, ये भी पक चुका है। इसको हम छान लेंगे चना दाल को अच्छे से। कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिए, जीरा डाल दिए, हल्दी पाउडर डाल दिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब पानी डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे मसाले को। पानी डालने से क्या होगा कि हमारा मसाला जलेगा नहीं। चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए हैं, 1 मिनट तक भून लिए हैं। अब उसके बाद ये दाल डाल दिए हैं इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से दाल को। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मैसर लेंगे और उस मैसर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल को। तो अब बढ़िया से भून लेंगे हम दाल को। तो हमारा दाल भी तैयार हो चुका है। अब हम पूड़ियाँ बनाते हैं। तो पूड़ी के लिए हम छोटे छोटे लोई ले लिए हैं और इसको हम गड्ढा कर लिए हैं अंगूठे के सहायता से दाल भरने के लिए, और उसमें हम दाल भरेंगे। तो इसी तरीके से हम दाल भर लेंगे इसमें और इसको अच्छे से पैक कर लेंगे। बहुत बढ़िया से ये हो जाएगा पैक। जहाँ जहाँ नहीं होता इसको पिंच कर देंगे, अच्छे से पैक कर लेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, बेल लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से बेलेंगे पूड़ी को। और उसके बाद हम थोड़ा सा हाथों से ठीक कर लेंगे चारों तरफ से। तो इसी तरीके से हम सारी पूड़ी भर के बेल के पहले तैयार कर लेंगे। इधर एक कढ़ाई में तेल रख लिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो तेल तभी डालें पूड़ी, कम गर्म में ना डालें, अच्छा गर्म तेल होना चाहिए, उसके बाद ही पूड़ी को हम डालेंगे कढ़ाई में। तो ये देखिए कितना बढ़िया फूला फूला सा पूड़ियाँ बन रहा है। इसी तरीके से पूड़ी बनेगी एकदम फूली फूली सी, गुब्बारे की तरह एकदम सॉफ्ट एकदम नरम पूड़ी बन के तैयार होगा। तो इसी तरीके से हम सारे पूड़ी को तल लेंगे एकदम गरम तेल में, तेल को उछालते हुए। बिहार का असली दाल का पूड़ी जो होता है ना, चावल के आटे से ही बनता है, गेहूं के आटे से भी बनता है, पर जो स्वाद चावल के आटे से बना के मिलता है ना, वो गेहूं का आटे से नहीं मिलेगा। चावल के आटे में जो बनाएंगे ना दाल का पूड़ी, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब यहाँ पर देखिए मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ दाल भरने का पूड़ी में। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 2 छोटे छोटे लोई ले लेंगे, बहुत छोटे छोटे, उसको भी सेम तरीके से अंगूठा की सहायता से गड्ढा बना के दाल भर देंगे बीच में और एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और इसी तरीके से चिपका देंगे। अच्छे से चिपका लेंगे उसको, बढ़िया से चिपक जाता है वो। और आटा लगा के इसको भी अच्छे से हल्के हाथों से बेल लेंगे। इस तरीके से दाल भरेंगे ना तो कभी दाल नहीं निकलेगा, कभी इधर उधर दाल नहीं फैलेगी, आपकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनके तैयार होगा। तो कौन कौन इस तरीके से दाल को भरता है पूड़ी में, कमेंट में ज़रूर बताएं, पता था आप लोगों को या नहीं। तो देखिए कितना बढ़िया ये पूड़ी बनके तैयार हो रहा है एकदम फूले फूले से। तो यही असली पूड़ी है, दाल पूड़ी बिहार की रेसिपी है। चावल के आटे के साथ जो दाल पूड़ी बनती है ना, उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसी तरीके से हम सारी पूड़ी को तल लेंगे
एकदम बढ़िया गोल्डन कलर होने तक। ये जो दाल पूरी बनती है ना चावल के आटे से, उसका स्वाद तो एकदम लाजवाब सुपर होता है खाने में। तो हमने सारा खाना बना लिया है, ये रक्षाबंधन स्पेशल थाली बनाई हूँ मैं, तो अब हम खाना लगा लेंगे। तो खाना हम सर्व कर रहे हैं, आलू गोभी की सब्जी साथ में खीर और चावल के आटे का जो ये पूरी है ना, एकदम लाजवाब पूरी है, एकदम सॉफ्ट एकदम नरम पूरी बन के तैयार हुई है, एकदम रुई की तरह पूरी बन के तैयार हो गई है। तो हमारा खाना बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए हम खोल के दिखा रहे हैं, पूरा दाल अंदर तक भरा हुआ है पूरी में, और खाने में भी बहुत लाजवाब है ये पूरी। ये देखिए कितना सॉफ्ट कितना नरम पूरी बन के तैयार हुआ है, एकदम रुई की तरह पूरी बन के तैयार होता है ये। तो आप लोग जब तक बना के नहीं खाएंगे तब तक हम क्या ही बोलें, इतना टेस्टी पूरी लगता है ना ये खाने में, दाल पूरी चावल के आटे से जो बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो हमारा खाना बन के तैयार हो चुका है, तो कैसा लगा हमारा ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।